हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हम टर्मक्स में काली लाइनस को इंस्टॉल करने टाइम इस एरर आ रहा है। देखो कॉन्फ़िगरिंग नेट हंटर फॉर टर्मक्स इस एरर आ रहा है। इस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोलकर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इस एरर टर्मक्स में क्यों आ रहा बोलकर, टर्मक्स में इस एरर क्यों आ रहा बोले तो दो प्रॉब्लम से इस एरर आ रहा है। पहला प्रॉब्लम कौन सा है बोले तो, तुम काली लाइनस को इंस्टॉल करने टाइम वहाँ पर 1.6 GB फाइल डाउनलोड होता ना, वो सक्सेसफुली डाउनलोड नहीं हुआ बोले तो ऐसा एरर आएगा। और सेकंड प्रॉब्लम कौन सा है बोले तो, तुम्हारे पास काली लाइनस को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम 12 GB स्टोरेज रहना चाहिए। 12 GB स्पेस नहीं रहा तो तुम्हारे मोबाइल में ऐसा एरर आएगा। देखो मेरा मोबाइल में काली लाइनस को इंस्टॉल करने टाइम 12 GB स्पेस नहीं था, इसलिए ऐसा एरर आएगा। तुम्हारे पास 12 GB स्पेस नहीं बोलो तो तुम्हारे पास कौन सा अनवांटेड फाइल रहा था ना, उसको डिलीट कर तुम काली लाइनस को इंस्टॉल करो या काली लाइनस इंस्टॉल होगा। हाँ, तुम्हारे पास पहला प्रॉब्लम आ रहा बोले तो, तुम काली लाइनस को इंस्टॉल करने टाइम 1.6 GB फाइल को इंस्टॉल कर देना, तब वहाँ पर क्या तो प्रॉब्लम हुआ बोले तो ऐसा एरर आएगा। तुम टर्मक्स में काली लाइनस को इंस्टॉल करने टाइम ऑटोमेटिकली 1.6 GB काली लाइनस फाइल को डाउनलोड होता था, उस होने टाइम क्या तो प्रॉब्लम हुआ बोले तो ऐसा एरर आएगा। कॉन्फ़िगर नेट हंटर फॉर टर्मक्स ऐसा एरर है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बोले तो, मैं उस काली लाइनस फाइल को मैनुअली डाउनलोड करूँगा। मैनुअली डाउनलोड करने के लिए मैं इंटरनेट में जाकर उस काली लाइनस फाइल को मैनुअली डाउनलोड कर उस और मैं टर्मक्स में डालूंगा उस फाइल को मैनुअली डाउनलोड करने के लिए तुम पहले क्रोम ब्राउज़र में जाओ। तुम क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक को तुम कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट करो। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1.6 GB फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर 1.6 GB फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा, डाउनलोड फोल्डर में जाकर यहाँ पर देखो 1.6 GB फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करा। देखो ये डाउनलोड होने के बाद मैं तुम्हारे को बताऊंगा। यहाँ पर देखो मेरा काली लाइनस फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो, देखो अब मैं डाउनलोड हुआ ना। अब डाउनलोड होने के बाद इस काली लाइनस फाइल को मेरे को टर्मक्स में डालना ना। अब टर्मक्स में डालने के लिए तुम पहले टर्मक्स को अनइंस्टॉल करो, क्योंकि तुम टर्मक्स में क्या क्या करना पहले, इसलिए पहले तुम टर्मक्स को अनइंस्टॉल करो। अनइंस्टॉल करने के बाद और एक बार टर्मक्स को इंस्टॉल करो। टर्मक्स को इंस्टॉल करने के बाद मैं तुम्हारे को बताऊंगा। अब तुम टर्मक्स को इंस्टॉल करने के बाद अब टर्मक्स को ओपन करो। ओपन करने के बाद तुम टर्मक्स को अपडेट करो और अपग्रेड करो। अब मैं टर्मक्स को पहले अपडेट करूंगा, APT अपडेट करूंगा, ऐसा मानो तुम APT अपडेट मानो। अपडेट होने के बाद मैं टर्मक्स को अपग्रेड करूंगा। यहाँ पर देखो मेरा टर्मक्स अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद अपग्रेड करो टर्मक्स को, APT अपग्रेड करो, अपग्रेड। हाँ, अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर देखो ये वाई बोलकर मारो। हाँ, ये थोड़ा 2 मिनट टाइम लेगा। यहाँ पर देखो मेरा टर्मक्स अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड होने के बाद तुम एक पैकेज को इंस्टॉल करो, WGET पैकेज। मैं WGET पैकेज को क्यों इंस्टॉल करा बोले तो, तुम कौन सा भी फाइल इंटरनेट से लाना बोले तो तुम WGET पैकेज को यूज़ करना, और तुम कौन सा भी फाइल GitHub से लाना बोले तो Git पैकेज को इंस्टॉल करना। मेरे को अब इंटरनेट से फाइल लाना है, इसलिए मैं WGET पैकेज को इंस्टॉल करूँगा। PKG इंस्टॉल WGET। WGET का फुल फॉर्म क्या है बोले तो, वर्ल्ड वाइड वेब गेट बोलकर है। अब ये WGET पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पर देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ। अब इंस्टॉल होने के बाद मैं एक तुम्हारे को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उस पर कॉपी करके इसको पेस्ट करूँ मैं। अब मैं इसको पेस्ट करूँगा, सिर्फ ये 2 MB का ये इंस्टॉल होगा। मैं ये क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ बोले तो, काली लाइनस को इंस्टॉल होने के लिए रन करने के लिए ये चाहिए। यहाँ पर देखो इंस्टॉल नेट हंटर टर्मक्स। अब मैं इसको परमिशन चेंज करूँगा, अब क्योंकि एग्जीक्यूट होना ना इसलिए इसको परमिशन चेंज करूँगा। अब मैं इसको CH मोड कर प्लस सिंबल मारूँगा, प्लस सिंबल एग्जीक्यूट करो इसको। अब इसको कॉपी करो, इसको कॉपी कर अब पेस्ट करूँगा बस। अब ये इसका परमिशन चेंज हुआ एग्जीक्यूट होने के लिए। LS मार कर दिखाऊंगा तुम्हारे को। यहाँ पर इस फाइल का परमिशन चेंज करे तो इसका कलर भी चेंज हुआ। देखो अब मैं इसको रन करे तो ये ऑटोमेटिकली 1.6 GB काली लाइनस का फाइल डाउनलोड करेगा। मैं पहले से ही डाउनलोड कर रहा हूँ ना मैनुअली काली लाइनस फाइल को। अब इस काली लाइनस फाइल को मैं टर्मक्स में लाने के लिए पहले तुम टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन देना चाहिए। मैं यहाँ पर दूंगा टर्मक्स, यहाँ पर मारो तुम टर्मक्स और यहाँ पर माइनस सिंबल मारो, सेटअप मारो, सेटअप स्टोरेज मारो, माइनस सिंबल मारो स्टोरेज। अब तुम देखो अब टर्मक्स यहाँ पर हमारे को मैं स्टोरेज परमिशन टर्मक्स दूंगा। मैं क्यों स्टोरेज परमिशन दे रहा हूँ बोल तो, उस काली लाइनस फाइल को मैं लाना चाहिए ना, इसलिए स्टोरेज परमिशन दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो अब मैं स्टोरेज परमिशन दे रहा हूँ। वो काली लाइनस फाइल कहाँ पर है, मेरे डाउनलोड फोल्डर में है काली लाइनस फाइल है। मैं LS मारूंगा, मेरे फ़ोन में डाउनलोड फोल्डर में है। यहाँ पर देखो मैं परमिशन आने के बाद यहाँ पर स्टोरेज यहाँ पर आ रहा। देखो यहाँ पर मैं स्टोरेज फोल्डर में जाऊँगा, CD स्टोरेज फोल्डर में जाऊँगा। अब जाने के बाद LS मारूंगा। यहाँ पर देखो मेरे डाउनलोड फोल्डर में वो काली लाइनस फाइल है, इसलिए मैं डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा। यहाँ पर देखो कॉपी कर उसको पेस्ट करूंगा, फोल्डर में जाऊंगा। अब यहाँ पर देखो अब मैं LS मारूंगा। यहाँ पर देखो मेरा डाउनलोड फोल्डर में कितना सारे फाइल्स है। देखो यहाँ पर अब इस फाइल में एक मेरा काली लाइनस फाइल है। अब इसको कॉपी कर मैं टर्मक्स में डालना चाहता हूँ। अब उसका नाम मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरा फाइल मैनेजर में। अब मैं फाइल मैनेजर में जाने के बाद इस नाम को मैं कॉपी करूँगा।
अब मैं इस नाम को कॉपी करने के लिए, यहाँ पर देखो इस नाम को पूरा कॉपी करूँगा, यहाँ पर देखो मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं टर्मक्स में जाऊँगा। टर्मक्स में जाने के बाद तुम्हारा सीपी बोलकर, सीपी बोलकर मारने के बाद उस फाइल को तुम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पर उस फाइल को, यहाँ पर देखो उस फाइल का नाम को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब इस फाइल को मैं कहाँ पर डालना चाहता हूँ, मेरा टर्मक्स में रूट फोल्डर में डालना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम डॉलर सिंबल मारो, डॉलर सिंबल यहाँ पर मारने के बाद तुम होम बोलकर मारो, होम बोलकर मारो। ऐसा मारने के बाद ये कॉपी होकर तुम्हारे टर्मक्स रूट फोल्डर में आएगा। यहाँ पर देखो टर्मक्स रूट फोल्डर में आएगा हमारा सक्सेसफुली काली लिनक्स का फाइल, यहाँ पर टर्मक्स में कॉपी हो। देखो अब कॉपी होने के बाद तुम मारो LS बोलकर, LS नहीं मारो CD बोलकर मारो, सिर्फ CD बोलकर मारो। CD बोलकर मारने के बाद तुम टर्मक्स के रूट फोल्डर में गए। तुम अब तुम LS बोलकर मारो, LS बोलकर मारने के बाद तुम्हारे पास आ रहा देखो यहाँ पर एक कॉपी, यहाँ पर एक फाइल। अब ये फाइल आने के बाद इस कमांड को अब रन करो तुम। अब मैं इसको क्लियर करूँगा, पहले क्लियर कर अब LS बोलकर मारूंगा। अब इस कमांड को रन करने के लिए .// मारो तुम। अब इसको कॉपी करो, इस कमांड को अब इसको कॉपी करो तुम, पूरा इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करो, बस इतना ही पेस्ट करो। अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर रन करने के लिए हमारे को थोड़ा सारे फाइल को डाउनलोड करेगा। अब डाउनलोड करने के बाद हमारे को पूछेगा हम काली लेंस को फाइल को मैं डाउनलोड करा है नहीं तुम्हारे। यहाँ पर देखो मैं इंस्टॉल नेटहंटर टर्मक्स को रन करने के बाद यहाँ पर मेरे को ये पूछ रहा देखो एग्जिस्टिंग इमेज फाइल फाउंड, मेरे को एक फाइल मिल गया है। अब मैं उसको डिलीट कर और एक बार डाउनलोड करो, यहाँ पर मेरे को पूछ रहा है। नो बोलूँगा मैं, यान बोलकर मारो तुम। और यहाँ पर देखो यान बोलकर मारने के बाद अब उस फाइल था ना, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करा देखो। एक्सट्रैक्ट करने टाइम तुम्हारे पास मिनिमम 12 GB स्पेस रहना चाहिए, नहीं रहा तो और भी वही एरर आएगा। इसलिए तुम्हारे पास स्पेस, तुम 12 GB स्पेस तुम मोबाइल में रखकर इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करो। ये एक्सट्रैक्ट होने के लिए 20 मिनट टाइम लेगा, तुम 20 मिनट ठहरो। तुम 20 मिनट होने के बाद मैं तुम्हारे को बताऊंगा। यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। देखो कंप्लीट होने के बाद ऐसा आ रहा देखो, अब नो बोलकर मारो। नो बोलकर मारने के बाद यहाँ पर देखो काली लेना साइबर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ। यहाँ पर देखो तुम्हारे को और भी कुछ भी एरर आ रहा बोले तो मेरे को तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो मेरा काली लिनक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ। अब इंस्टॉल होने के बाद मैं काली लिनक्स का पासवर्ड रखना चाहता हूँ। पासवर्ड रखने के लिए तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहे देखो KEXPASWD बोलकर यहाँ पर बता देखो, उसको तुम उस कमांड को मारने के बाद तुम पासवर्ड रख सकते हो। अब पहले हम काली लिनक्स में जाना ना, तुम नेट हंटर में जाने के लिए NH बोलकर मारो तुम। यहाँ पर देखो शॉर्टकट है NH बोलकर, यहाँ पर देखो NH बोलकर मारने के बाद तुम नेट हंटर में गए। अब नेट हंटर में जाने के बाद मैं KEXPASWD बोलकर मारूंगा क्योंकि पासवर्ड रखना चाहता हूँ मैं काली लिनक्स का। अब 1 2 3 4 5 6 बोलकर, 1 2 3 4 5 6 बोलकर पासवर्ड रखा हूँ। अब नो बोलकर मारूंगा। अब बस अब मैं काली लिनक्स का पासवर्ड सेट कराऊँ। अब मैं काली लिनक्स का पासवर्ड सेट करने के बाद अब मैं काली लिनक्स को GUI मोड में यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर बताया देखो GUI मोड में यूज़ करने के लिए तुम मारो KEX% सिंबल बोलकर, यहाँ पर बताया देखो, यहाँ पर देखो M% सिंबल बोलकर तुम यहाँ पर मारो तुम। मैं KEX% सिंबल मारूंगा, यहाँ पर देखो M% सिंबल। अब मारने के बाद अब तुम काली लिनक्स GUI मोड में यहाँ पर रन हो रहा देखो, यहाँ पर ये रन होगा लोकल होस्ट 5901 पोर्ट नंबर में होगा देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे को बताया देखो, यहाँ पर देखो पोर्ट नंबर 5901 यहाँ पर ये बता रहा देखो। अब तुम अब इसको रन करने के लिए तुम VNC व्यूअर ऐप में तुम जाओ पहले। मैं अब VNC व्यूअर ऐप में जा रहा हूँ। VNC व्यूअर ऐप में जाने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा आएगा, तुम प्लस सिंबल पर क्लिक करो। प्लस सिंबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मारो तुम लोकल होस्ट कॉलम बोलकर मारो 5901 बोलकर मारो, बस इतना ही। अब यहाँ पर नाम रख सकते हो तुम क्या भी, मैं काली बोलकर रख सकता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद क्रिएट पर क्लिक करो। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा आ रहा है, अब कनेक्ट पर क्लिक करो तुम। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद तुम ओके पर क्लिक करो। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मारो 1 2 3 4 5 6 बोलकर। अब तुम कंटिन्यू पर क्लिक करो। यहाँ पर देखो मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 मारो। अब तुम कंटिन्यू पर क्लिक करो, अब काली लेना आएगा देखो। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर देखो काली लेना सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ बोलकर यहाँ पर आ रहा है देखो। यहाँ पर देखो अब तुम कौन सा भी टूल को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं कौन सा भी टूल को, यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारे टूल है। यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वनरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डाटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक्स, बहुत सारे टूल्स है। यहाँ पर देखो इस सारे टूल को तुम मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है बोले तो। यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर टर्मिनल में, यहाँ पर देखो मैं टर्मिनल को भी ओपन कर दिखाऊंगा तुम्हारे को। अब मैं टर्मिनल में LS बोलकर मारूंगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर ऊपर करने के बाद कीबोर्ड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर LS बोलकर मारूंगा, LS बोलकर, यहाँ पर LS बोलकर तुम्हारे को दिखा रहा हाँ LS बोलकर। अब देखो LS बोलकर मारने के बाद अब मैं यहाँ पर कीबोर्ड में अब एंटर मारूंगा, एंटर, बस इतना ही। एंटर मारने के बाद यहाँ पर देखो तुम ही देख सकते हो यहाँ पर कितना सारे फाइल आ रहे हैं देखो। यहाँ पर ऐसे ही तुम टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे काली लिनक्स में बहुत सारे मोबाइल को हैक कर सकते हो तुम। यही मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भी बहुत सारे हैक कर सकते हो तुम।
काली लिनक्स तुम्हारे को हैकिंग पढ़ना बोले तो तुम इस काली लिनक्स को मोबाइल में इंस्टॉल कर तुम हैकिंग पढ़ सकते हो। ऐसे ही कन्फिगर नेट एंटर एरर को सॉल्व हुआ ना, बहुत आसान है उस एरर को सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे पास वो एरर क्यों आ रहा बोले तो तुम्हारे पास स्टोरेज 12 GB नहीं बोले तो एरर आएगा, इसलिए तुम्हारे पास 12 GB स्टोरेज रख कर ही काली लिनक्स को इंस्टॉल करना तुम स्टार्ट करो। हाँ, ऐसे ही मेरा वीडियो तुम्हारे को अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।